हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया वर्मा आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ नवरात्र में खाने जाने वाली पूड़ी और सब्जी। तो फ्रेंड्स, आप इसे फलाहार के रूप में खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने व्रत में खाने वाले आलूओं की रेसिपी आपको दे रखी है। आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी और पूड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक लौकी ले ली, यानी कि यहाँ पर हमने 1 kg जो है लौकी ली है। इसको अच्छे से हमने छील कर धो लिया है। अब इसको हम क्रश कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च और 1/2 चम्मच जो है नमक ले लिया है। तो इसमें 2 से 3 चम्मच हम डाल देते हैं घी। यही नॉर्मल चम्मच से हम इसमें घी डाल रहे हैं। और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा हमारा अच्छा जैसे ही चटक जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जीरा अच्छा चटक चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने लौकी अभी कद्दूकस करके रखी थी, वो लौकी इसमें हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि लाल मिर्च जो है व्रत में नहीं खाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में लाल मिर्च, तो आप इनको स्किप करके लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हम चला लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे घी और मसालों में। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने खूब अच्छे से इसमें नमक को मिला दिया है। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम ढक देंगे, फिर उसके बाद ही अच्छी पक जाएगी। जो लौकी हमारी थी अच्छी ताज़ी थी, तो बहुत सारा इसमें पानी भी होता है, तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम यहाँ पर हमने स्लो कर दी। 7 से 8 मिनट के लिए इसको ढक रहे हैं। तो 7 से 8 मिनट फ्रेंड्स हमारे हो चुके हैं। जो लौकी हमारी है अच्छी पक चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी आपको दिख रहा होगा। तो हमें करना क्या है, गैस की फ्लेम हाई रखनी है और इसे लगातार ऐसे ही भूनते रहना है। इसका पानी बहुत जल्दी से ये जल जाएगा और ये सब्ज़ी बहुत ही हमारी टेस्टी बन करके रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसे व्रत में बना सकते हैं। वैसे व्रत में खाने में बहुत ज़्यादा पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। आप चाहें तो साबूदाना की पूड़ी के साथ इसे सर्व कीजिए, या कुट्टू के आटे के साथ इसे सर्व कीजिए। आप जो लाइक करते हैं आटा, उसकी पूड़ी आप बना लीजिए, उसके साथ खाइए, तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है, ये बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखिए, अब इसको एक प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए पूड़ियों के साथ। तो हमारी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम कुट्टू के आटे का पैक ले लिया है। मार्केट में कई तरीके का आटा आता है, आप जो लाइक करते हैं वो ले लीजिए, जो आप व्रत में खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 कटोरी जो है कुट्टू का आटा ले लिया है, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है। आप चाहें तो ठंडे पानी में भी इसे गूंज सकते हैं। वैसे गुनगुने पानी में ये जो पूड़ियाँ होती हैं वो फटती नहीं हैं, बहुत ही अच्छी बन करके रेडी होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आटे को लगा लेते हैं। ये देखिए, अच्छा हमारा आटा सेट हो चुका है। हमने थोड़ा देर तक इसे गूँथ लिया, तो इसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटी सी लोई कट कर लेते हैं, ये देखिए, और हाथों से ही इसे हम बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी पूड़ी बन करके रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसकी जो लोई है वो चकले पर बनाकर बेल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से चकले पर आप लोई बनाकर बेल सकते हैं। मैं तो यहाँ पर हाथों से ही बना रही हूँ, सारी पूड़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हमें बराबर की लोई कट करके जो है पूड़ियाँ बना करके रेडी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ पूड़ियाँ आपको बना करके इसी तरीके से दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से हाथों से लोई भी बन जाती है और ये पूड़ी भी बड़ी हो जाती है, बिल्कुल भी फटती नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमने सारी पूड़ियाँ जो बना करके रख ली हैं। इधर तेल भी हमने, सॉरी, यहाँ पर घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। घी भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पूड़ियाँ एक एक करके डाल देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी पूड़ियाँ गोल गोल छोटी छोटी जो फूली फूली बन रही हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी पूड़ियाँ बन करके रेडी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स,
इसी तरीके से हमें जो है सारी पूड़ियाँ बना करके रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने सारी पूड़ियाँ बना करके रेडी कर ली हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और आप चाहें तो इसे लौकी की सब्ज़ी के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ, मखाने की सब्ज़ी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। गर्मा गर्म ये पूड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो आलू रखे हैं एक कटोरी में, तो इसकी रेसिपी हमने पहले ही दे रखी, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फलाहारी ही आलू हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।